आज का मेरा टॉपिक है एग्जैक्ट लोकेशन एंड एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें हम लोकेशन और एरिया दोनों देखेंगे। लोकेशन में हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, और उसके बाद हम एरिया देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितना एरिया है कश्मीर का, चाइना के अंदर कितना एरिया है कश्मीर का, और इंडिया के अंदर कितना एरिया है कश्मीर का। तो सबसे पहले जो लैटिट्यूड है हमारा वो देखेंगे हम 32 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये हमारे लैटिट्यूड की एक्सटेंट है। और जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है ये एरिया पाकिस्तान के अंदर है। और वैसे ही लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो दोनों लॉन्गिट्यूड, एक तो पाकिस्तान के अंदर है और दूसरा चाइना के अंदर है। जो हमारा एक्सटेंट है जम्मू एंड कश्मीर लॉन्गिट्यूड का वो है 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट से लेकर 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। और जो 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट है ये पाकिस्तान के अंदर है एरिया, और जो 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है ये चाइना के अंदर है। उसके बाद हम जब भी हम इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम इंडिया का, तो उधर आता है इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल की जो लोकेशन है एग्जैक्टली वो है 35 डिग्री 66 मिनट नॉर्थ और 76 डिग्री 79 मिनट ईस्ट, ये एरिया है। तो ये क्योंकि ये एरिया इंडिया के अंदर है तो इसलिए नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है, बाकी ऑक्युपाइड एरिया को छोड़कर जो चाइना और पाकिस्तान ने अपने अंडर रखा है। तो उसके बाद लैटिट्यूड की बात की जाए तो 32 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ, जो 37 डिग्री है ये पीओके में है। लॉन्गिट्यूड में 72 डिग्री 35 मिनट ईस्ट पीओके में से लेकर 283 डिग्री 20 मिनट ईस्ट, ये सीओके में है। इंदिरा कोल पॉइंट जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ये नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। इसकी जो लोकेशन है 35 डिग्री 66 मिनट नॉर्थ से लेकर 76 डिग्री 79 मिनट ईस्ट में है। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जब भी हम पूरा मैप देखते हैं इंडिया के अंडर है जो एरिया कश्मीर का वो भी, पाकिस्तान के अंडर जो एरिया है कश्मीर का वो भी, और चाइना के अंडर एरिया है कश्मीर का वो भी, तो हमारे पास कुल संख्या आती है 2,22,236 स्क्वेयर किलोमीटर। ये हमारा तीन भाग में डिवाइड है। तो फर्स्ट टोटल एरिया बताया मैंने आपको, तो पहले हम देखेंगे एरिया अंडर इंडिया 1,01,387 स्क्वेयर किलोमीटर। फिर आता है एरिया अंडर पाकिस्तान 78,114 स्क्वेयर किलोमीटर। फिर हम देखेंगे एरिया अंडर चाइना 42,735 स्क्वेयर किलोमीटर। ये जो येलो कलर का पूरा दिख रहा है ये एरिया अंडर इंडिया के अंडर आता है, और जो ये ग्रीन में दिख रहा है ये पूरा एरिया जो है पाकिस्तान के अंडर आता है कश्मीर का, और जो ये रेड कलर मैरून का दिख रहा है तो ये पूरा चाइना के अंडर आता है कश्मीर का एरिया। तो ये जो हमारा येलो कलर का एरिया है ये भी आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंडिया ऑक्यूपाइड डिवाइडेड इंटू टू यूटी यूनियन टेरिटरी जो अभी अभी बनी है। तो एक आती है लद्दाख यूटी, दूसरी आती है जम्मू कश्मीर यूटी। तो इन दोनों यूटी की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा एरिया लद्दाख यूटी के पास है 59,146 स्क्वेयर किलोमीटर। और उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, उसमें 42,241 स्क्वेयर किलोमीटर। ये आप देख सकते हैं तीन अलग अलग दिए हैं, लद्दाख कश्मीर एंड जम्मू। तो फिर आगे जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है तो उसमें भी आगे दो रीजन बने हुए हैं। जम्मू और कश्मीर रीजन का जो एरिया है 26,293 स्क्वेयर किलोमीटर, और उसके बाद कश्मीर रीजन का जो एरिया है 5,15,948 स्क्वेयर किलोमीटर। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।